गुड आफ्टरनून। मैं ये दसना चाहुंदा, मेरा नाम सनी है और ये मेरे सिस्टर संदीप है, जो इन्होंने शहर के काफ़ी लंबे समय तो दर्द सेगा। सो इन्होंने काफ़ी इधर उधरों ट्रीटमेंट लिया, अमृतसर के भी ये गए और उत्थों इन्होंने जब डॉक्टर ने यूरोपत को गए और उन्होंने उत्थे सीटी स्कैन करवाया और इमीजिएटली जब उन्होंने देखा उन्होंने सिर के एक बहुत ही बड़ा ब्रेन ट्यूमर बन चुका सेगा। तो डॉक्टर ने इमीजिएटली ऑपरेशन करवाने लिए कहा और ये बहुत ज़्यादा परेशान से कि जब घर के आए इन्होंने गलबात आप की और जब आप इतने सू किसी ने दसिया कि तुम अमनदीप हॉस्पिटल के जाओ उस जगह पर बहुत ही वधिया डॉक्टर ने, असं इमीजिएटली शाम के वेले ही इस जगह पर पहुंचे। असं एमरजेंसी के आए जब सा मुलाकात डॉक्टर उदय असवान जी हुई उन्होंने दसिया कि तुम घबराओ ना, असं इमीजिएटली इन्हों का ऑपरेशन करा और इन्होंने किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जबकि बाकी डॉक्टर ने कहा कि इनका पासा मर सकता है, इनका एक साइड से प्रॉब्लम हो सकती है, एक कोमा के आ सकती है, लेकिन जदों डॉक्टर उदय रसवान ने ऑपरेशन किया ऑपरेशन तो बाद 24 घंटे तक ये वेंटिलेटर पर रहे। उस तो बाद जो उतारिया तो इन्हों का शरीर के किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं सी, बिल्कुल ठीक से। और इस देख के असी इस हॉस्पिटल के स्टाफ ने जिन्होंने भी ट्रीटमेंट किया बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ सेगा, बहुत ही कोऑपरेटिव डॉक्टर ने, ऑल हॉस्पिटल इज वेरी वेरी गुड। सो इस हफ्ते लिए असी इस हॉस्पिटल का डॉक्टर उदय रसवान का थैंक्स करते हैं और मैसेज देना चाहते हैं कि जिस किसी ने भी किसी भी तरह की कोई परेशानी होंगी आ वो इस जगह पे अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट के विच आ के अपना ट्रीटमेंट लै सकते हैं, चाहे उन्होंने किसी भी तरह की कोई हड्डियों रिगार्डिंग है, चाहे न्यूरो रिगार्डिंग किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लीकेशन है, तो वो अपना आके इस जगह पे इलाज करवा सकते हैं। सो थैंक यू।